हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली में प्रदूषण की समस्या को लेकर चारों तरफ से घिर चुके पाली के उद्यमियों ने गुरुवार को केंद्रीय विधि राज्य मंत्री पीपी चौधरी से मुलाकात कर उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि पाली के औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाया जा सके। सर्किट हाउस में मुलाकात के दौरान केंद्रीय विधि मंत्री चौधरी ने मुलाकात करने पहुंचे उद्यमियों को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि जिस तरह से पाली के प्रदूषण समस्या निजात को लेकर ट्रस्ट व उद्यमी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, उसका परिणाम है कि अब सरकार व अधिकारियों पर से पाली के उद्यमी विश्वास खो चुके हैं। लाबेला यूनिट 70 पर लगाने के बजाय ट्रस्ट की ओर से सामूहिक लगाने की मांग व समय बढ़ाने की मांग के बाद मंत्री चौधरी ने प्रदूषण मंडल के चेयरमैन अर्पणा अरोड़ा से बात कर समय बढ़ाने के लिए कहा है। इस मौके पर ट्रस्ट अध्यक्ष अनिल मेहता, भाजपा महामंत्री व उद्यमी सुनील भंडारी सहित बड़ी संख्या में यहां के उद्यमी मौजूद थे। पाली की जो इंडस्ट्री है उसको लेकर केंद्रीय विधि राज्य मंत्री से बात हुई, क्या चर्चा हुई, लाबेला को लेकर क्या विवाद है और उसको लेकर क्या समाधान है? आज पाली के जीरो से लगाकर 100 तक केडली की जो फैक्ट्री है, तो लोग मंत्री जी से मिलना है, तो वो ये चाह रहे थे कि जो राज्य सरकार ने जो लाबेला डिसाइड किया है उसमें और उसमें एक डेडलाइन दी है 50 से 100 के बीच में 25 सितंबर तक की, उसको डेट को एक्सटेंड करा जाए, और साथ ही साथ वो ये सब चाह रहे थे कि ये जो लाबेला है वो कॉमन बन जाए, ठीक है ना, कॉमन हर प्लांट पर अंदर अगर कॉमन लग जाए, तो उस बात के लिए पीपी चौधरी साहब ने अर्पणा जी से बात की और एक तो डेट एक्सटेंशन कराई। इसके लिए पीपी चौधरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने पाली की इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात को रखते हुए उस बात को मनवाया भी और ये काम करवाया कि डेट एक्शन हो गई, ताकि पाली में जो दिवाली के टाइम जो फैक्ट्री चलनी चाहिए सही तरीके से चल सके, उसके लिए काम किया। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि सब लोग मिलकर डिसाइड करो कि अगर कॉमन बनाना है तो उसका खर्चा कैसे होगा, तो सभी उद्यमियों ने मिलकर कहा कि हम लोग इसके लिए कोई रूपरेखा बनाएंगे और रूपरेखा बना के जयपुर जाएंगे, ताकि ये हमारा हम जो चाहते हैं वो काम हो जाए और जो उसमें पैसा लगेगा हम कंट्रीब्यूट करके साथ में देना चाहेंगे। और ये सब सहमति से बात हुआ और सहमति से ये लोग जाके अर्पणा जी से मिलेंगे और अपना एक्शन प्लान पूरा बता के आगे की कार्रवाई को करेंगे। देखिए पाली के पॉल्यूशन के मामले में अभी हाल ही मीटिंग हुई थी जयपुर, हमारे सब ट्रस्ट के पदाधिकारी थे, सारे ट्रस्ट के पदाधिकारी थे, सारी यूनियन के एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, और वहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन भी थे, मेंबर सेक्रेटरी और मंत्री जी भी थे। तो ये सारा ये तय हुआ कि एक जो कुछ ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट हैं वो अपने फैक्ट्री से एक लामेला लगा कर करके इंडिविजुअल लामेला लगा कर करके और जो तारीख दी गई थी 25 उनको सितंबर दी गई थी 25 सितंबर तक लगाना था, लेकिन क्योंकि 25 सितंबर तक नहीं लगा तो इनको डेट एक्सटेंड करवानी थी, नंबर वन। और दूसरा ये चाह रहे थे कि भाई इंडिविजुअल लगाने के बजाय बहुत परेशानी होगी, अलग अलग पैसा लगेगा और उसमें हो सकता है कि जो हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं वो भी नहीं आए, तो इस वजह से इनका ये कंटेंशन था सभी उद्योगपतियों का, इंडस्ट्रीज का जो 50 से 100 PLD तक के हैं, इनका ये था कि हम CTP में हमारा जो कंट्रीब्यूशन जो हम इंडिविजुअल लगा रहे हैं CTP में हम कॉमन लगा दे तो खर्चा भी कम आएगा और कॉमन उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, कॉमन उसका मेंटेनेंस भी हो जाएगा, तो सब चीज़ें जो हैं और हमारा खर्चा भी कम आएगा और ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा रहेगी। तो इस वजह से मैंने अभी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन से बात की, उन्होंने एग्री किया क्योंकि 30 इसको अक्टूबर तक बढ़ाया जाता है, उसके दरमियान ये लोग जाकर के इनके प्रतिनिधि वहाँ पर चेयरमैन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य सक्षम अधिकारियों से मुलाकात करके मीटिंग करके इस बात का जो कि CTP में इसको बनाने का एक जॉइंट बनाने का सभी लोगों का वहाँ पर ये अपना प्रपोजल रखे और मुझे पूरा आशा है कि ये प्रपोजल कॉन्क्रीट बना के ले जाएंगे और सरकार उसको स्वीकार करेगी। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।